टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है द ज्योमेट्री ऑफ मेटल क्लस्टर्स फॉर CSIR नेट एंड किट केमिस्ट्री। इसमें हम कैसे मेटल क्लस्टर की ज्योमेट्री को फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ज्योमेट्री एंड एग्जांपल। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 48 होता है तो उस पर ज्योमेट्री फॉर्म करेगी ट्राइगोनल प्लेनर और ट्राइंगल। एग्जांपल है Ru3CO12 Fe3 म्यू CO ट्वाइस CO10। ओके, इसी तरह टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 60 पे टेट्राहेड्रल। एग्जांपल CO4 CO12 Fe4 CO13 टू माइनस Cp WIR3 CO11 72। टोटल इलेक्ट्रॉन 72 हो रहा है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 272 पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस एग्जांपल 74 स्क्वायर पिरामिडल Fe5CCO15। 84 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट्स 84 होता है तो ज्योमेट्री फॉर्म करती है बाइकैप्ड टेट्राहेड्रल। एग्जांपल ये हो गया। 86 पे ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल आर दिस। ओके, 190 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 90 पे डायगोनल प्रिज्म। एग्जांपल Rh6CCO15 टू माइनस CO6 म्यू 6 एन CO15 माइनस। 120 पे स्क्वायर एंटी प्रिज्म। दिस एग्जांपल 120 क्यूबेन ब्लैंक। इसके लिए एग्जांपल है बहुत सारे बट अभी मेरे पास प्रेजेंट में नहीं है इसलिए मैंने दिखाया नहीं, और भी एग्जांपल मिल जाएंगे। ओके, 130 कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म। दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें CSIR नेट 2018 में पूछा गया है। अभी मैं इसको कैसे आएगा ये फॉर्म, पहले इसको आप रिमेम्बर कर लीजिए कि किस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स पे क्या ज्योमेट्री फॉर्म करती है और कौन से एग्जांपल नहीं याद करेंगे कोई चलेगा। ओके, हम बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट्स से हम ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म करेगी ये फाइंड करेंगे, ये हम रिमेम्बर करेंगे, इसके बेसिस पे हम ज्योमेट्री बता पाएंगे। ओके, 130 पे कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म। 64 पे स्क्वायर प्लेनर OS4CO16। ओके, दिस ज्योमेट्रीज आर मोर कॉमन फॉर मेटल क्लस्टर्स। ओके, सम आते हैं सम लेस कॉमन ज्योमेट्री ऑफ मेटल क्लस्टर। जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 34 और 50 पे लीनियर फॉर्म करता है। एग्जांपल लेते हैं Mn2CO12 एटसेट्रा। 62 पे बटरफ्लाई। दिस एग्जांपल 74 पे ब्रिज्ड टेट्राहेड्रल OS5 म्यू एच ट्वाइस CO16। 76 पे ब्रिज्ड बटरफ्लाई। दिस एग्जांपल 76 पे स्वेलो, ये एग्जांपल है कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके लिए। 78 बो टाई एक ये एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है OS5 CO19।
80 पे। स्कॉर्पियन, टी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल क्लस्टर 80 पे स्कॉर्पियन ज्योमेट्री फॉर्म करता है, यह एग्जांपल है उसके लिए। ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म RE H9 2-, ये CSIR नेट में पूछा गया है। कौन से ईयर में पूछा है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यह भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से ईयर में पूछा गया। तो चलिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद जस्टिफाई करेंगे कौन की किस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। तो हम आते हैं पहले एग्जांपल पे। ओके, पहले एग्जांपल पे आते हैं। फर्स्ट पे Ru3Co12। ओके, फिर Ru3Oc9, ये आयरन की फैमिली का है। ओके, तो ये आयरन के फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। इसकी भी 8 हो गए, 8 × 3 प्लस CO कंट्रीब्यूट कितना करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स × 12, 8 × 3 = 24 + 24 = 48। 48 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्योमेट्री क्या फॉर्म किया? ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगल। तो ये ज्योमेट्री क्या क्या फॉर्म करेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, इसी तरह ये भी फॉर्म करेगी, आप इसको करके देखिएगा। हम आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दीज आर एग्जांपल्स। ओके, दूसरे एग्जांपल ये लेते हैं CO का, CO4 CO12 को रहे इंतजार। ये कोबाल्ट फैमिली का है, कोबाल्ट ये, तो इसका वैलेंस सेल में 9 × 4 + 2 × 12, क्योंकि कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। 9 × 4 = 36 + 24 = 60 पे ज्योमेट्री फॉर्म करें टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, इसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल हैं इसके। अब आते हैं सम एग्जांपल पे। 3 एग्जाम लेते हैं, OS 5 CO16 OS। आयरन फैमिली का है, ऑस्मियम, 8 × 5 + 2 × 16 32, ये ऐड करेंगे 72। अब 72 पे ज्योमेट्री फॉर्म कर रही है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी कि TBP। इसी तरह आप एग्जांपल करके देखिए, जैसे कि अब ऑक्टाइडल के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बेसिकली हम ये एग्जांपल लेते हैं ऑक्टाइडल, चलिए उसके ऊपर वाला ले लेते हैं बाइकैप्ड टेट्राहेड्रल। ऑस्मियम 6 CO18 सॉल्व करते हैं इसे। ऑस्मियम आयरन फैमिली का है, तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑस्मियम? 6 प्लस कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 × 18 8 × 6 = 48 + 36 ऐड करेंगे 84 पे क्या फॉर्म ज्योमेट्री फॉर्म करेगी? बाइकैप टेट्राहेड्रल। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, 86 है, और नहीं सकते हैं, एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके, चाहे तो मैं
अगले वीडियो में और सारे एग्जांपल दे दूंगा। ओके, ये कौन सा फॉर्म करेगा फिर? ये बाई कैब टेट्रा हेड्रल, तो ये हो गया सब। आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल पे, दिस एग्जांपल जो नेट में पूछा गया है। पूछा यह था कि इसमें कौन ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था, और पूछा गया था कि ये किस टाइप का क्लस्टर है और इसकी ज्योमेट्री क्या फॉर्म कर दे। टाइप मतलब क्लोसो, नीडो, अरेक्नो, हाइपर, हाइपर क्लोसो, ये होता है टाइप क्लस्टर्स के। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, नेट में पूछा हुआ है। RH9PCO21 टू माइनस को रहे इंतजार, कोबाल्ट फैमिली का है तो वैलेंस शेल में 9 9 प्लस फास्फोरस, यहाँ हियर फास्फोरस यहाँ कितना देगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देगा इतना, वैलेंस का 5 फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, प्लस 2 × 21 माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा चार्ज। ओके, 9 9 81 प्लस 5 प्लस 42 प्लस 2 ऐड करेंगे 86 प्लस 44, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 130 पे कैब्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म। ओके, ये जो है फॉर्म करता है कैब्ड स्क्वायर एंटी प्रेस। जैसे एक और मैं एक समराइज करता हूँ थोड़ा सा, जैसे कुछ लेस कॉमन ज्योमेट्री का मैं ले लेता हूँ कुछ एग्जांपल्स। ये लेस कॉमन ज्योमेट्री है, देख लीजिए आप इसे। ओके, तो आप पहले मोर कॉमन ज्योमेट्री का जो टेबल मैंने बनाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप बना लीजिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी ज्योमेट्री। ओके, आई थिंक आपने ले लिया होगा। तो आप लेस कॉमन ज्योमेट्री ऑफ मेटल क्लस्टर का भी जो लेस कॉमन फॉर्म करते हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके, जैसे लीनियर के ले लेते हैं। फर्स्ट Mn2CO10, मैंगनीज 7, वैलेंस 7 होता है तो 2 प्लस 2 × 10 14 प्लस 20 = 32 में ज्योमेट्री क्या फॉर्म करती है, लीनियर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का ले लेते हैं एक, Fe4NCO12 माइनस, आयरन वैलेंशियल में 8 प्लस इंटू 4 प्लस 5 नाइट्रोजन 5 कंट्रीब्यूट करेगा प्लस 2 × 12 प्लस माइनस है तो प्लस, चार्ज प्लस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। 32 प्लस 1 प्लस 5 6 प्लस 24 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 62। ओके, तो 62 पे ज्योमेट्री क्या फॉर्म करती है, ये आपकी फॉर्म करेगी लीनियर।
और ये बटर फ्लाई, ये भी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Re(H9)-, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइकैब ट्राइगोनल प्रिज्म। ये जो मैंने टॉपिक्स पे बनाए हैं, ये ज्योमेट्री ऑफ मेटल कार्बोनिल्स पे हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस आगे आते रहेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।